The present lecture is related to a teaching skill that is illustrating with examples. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके कॉन्सेप्ट को समझने के क्रम में बच्चे को बड़ी कठिनाई होती है, और यदि हम उस तथ्य को, उस संप्रत्यय को समझाने के क्रम में उदाहरण का उपयोग करते हैं तो बच्चे बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। अभी हम कई बार कह चुके हैं कि मैथमेटिक्स में यदि आपको कोण समझाना है तो बच्चा नहीं समझ रहा है कि कोण क्या है, और जैसे ही आप एक उदाहरण देते हैं कि आजकल छोटे बच्चे की पार्टी में जो टोपी पहनते हैं मैथमेटिक्स का कोण वैसा ही होता है, भुजा खाने में जिस ठोंगे का तुम इस्तेमाल करते हो उसकी आकृति भी कौन से मिलती जुलती होती। जब इस तरह का आप उदाहरण देते हैं, यदि आप बोर्ड पे भी बनाएंगे तो वो टू डायमेंशनल होगा, थ्री डायमेंशनल नहीं होगा, लेकिन बच्चे ने उन सारी चीजों को देखा है। आप समझाना चाहते हैं बच्चे को वयस्क मताधिकार, बच्चा समझ नहीं रहा, लेकिन बच्चे के बैकग्राउंड में है कि वो 5 साल से अधिक है और 1-2 बार वोट देते हुए लोगों को देखा है और ये जानता है कि कौन लोग वोट देते हैं और कौन लोग वोट नहीं देते हैं, ऑब्जर्व करता है। तो फिर एग्जाम और फिजिक्स पढ़ाने के क्रम में, केमिस्ट्री पढ़ाने के क्रम में, और खास के बायोलॉजी वगैरह का जो बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा है, आप फूल पढ़ाते हैं वहां तो आप रियल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जब रियल ऑब्जेक्ट नहीं भी लेके जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल साइट करना पड़ेगा। यदि फूलों का कोई वर्गीकरण आपको पढ़ाना है तो उसमें से इस वर्ग का कौन सा फूल है और उस वर्ग का कौन सा फूल है उसका यदि आप उदाहरण बता देंगे तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उदाहरण का बहुत महत्व। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल नेम्ड इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। इट मेक द लर्नर्स रेडी टू एक्सेस द लर्निंग मेटीरियल। और खास कि वैसे संप्रत्यय, वैसे कंसेप्ट जिसमें ज्यादा समझने की जरूरत। अभी हमने कुछ देर पहले पेरीमीटर का भी उदाहरण दिया, आपको एरिया समझाना, या फिर आपको उदाहरण देना है विभत्स रस का, आपको उदाहरण देना है श्रृंगार रस का, आपको उदाहरण देना है वीर रस का, तो उदाहरण के माध्यम से बच्चे के दिमाग में ये बात बड़ी आसानी से बैठाई जा सकती है कि विभक्त रस का मतलब क्या है, वीर रस, श्रृंगार रस, और फिर इस तरह के जितने भी रस हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि न केवल गणित विज्ञान में उदाहरण की आवश्यकता है बल्कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान के अन्य सब्जेक्ट, साहित्य जैसे विषय, उनका भी उदाहरण है। उदाहरण की मदद से हम शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, और इस दृष्टि से ये जो टीचिंग स्किल है हमारा इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जांपल्स बहुत जरूरी। पहले इसमें तो 2 या 3 स्लाइड है, इसमें ज्यादा स्लाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेक्चर को आउटलाइन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस टीचिंग स्किल के एज यू कैन सी व्हाई इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। मतलब यदि हम एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं किसी चीज को तो क्या होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल, सब्जेक्ट स्पेसिफिक फेनोमेना, जनरलाइजेशन, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कंसेप्ट, मैथमेटिकल रूल, सोशल इश्यूज,
एक्सेट्रा कैन बी अंडरस्टूड बाय द लर्नर्स मोर इजली विद लेक्चर, चाहे वो लाभ हानि का कंसेप्ट हो, लाभ की स्थिति कब होगी, हानि की स्थिति कब होगी, आप उदाहरण देके विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कंसेप्ट समझाते हैं तो बच्चा, यदि आप न्यूटन के गति का नियम पढ़ा रहे हो, जड़त्व का कंसेप्ट समझा रहे हो, बस का एग्जाम्पल दे के आसानी से, ये बच्चे ने बस का अनुभव किया है तो, और फिर इस तरह का डेमोक्रेसी, बच्चा यदि फिल्म के माध्यम से भी देखा है तो उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस फिल्म में तुमने देखा वहां राजतंत्र का एग्जाम्पल है, यहां तुम देख रहे हो प्रजातंत्र का एग्जाम्पल है, सो यू हैव टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स इन द लाइट ऑफ द नेचर ऑफ योर सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू टीच इन ऑर्डर टू साइट द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, दैट इज ए मस्ट। मतलब शिक्षण को बड़ी प्रभावशाली और रोचक बनाई जा सकती है उदाहरणों के रूप में। एग्जाम्पल इज ए टूल इन द हैंड ऑफ ए टीचर विद द हेल्प ऑफ व्हिच ही सी मेक्स द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल टू लर्नर्स। अब मान लीजिए कि कोई चीज, अभी हमने कुछ उदाहरण शुरू में दिया, अभी तक टोपी वगैरह का, लेकिन और भी संपर्क है, जैसे पुराना कंसेप्ट है असूर्य पश्या नारी का, आजकल कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी नरेट कर रहे थे कि लखनऊ के एक आदमी से पूछा कि बगल में कोई एक आदमी है वो रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझको नहीं पता है क्योंकि मुझको तो जीने से उतरे हुए 36 साल। अब ये 36 साल का कंसेप्ट जो जानता है वो असूर्य पश्या नारी का कंसेप्ट बिलीव कर सकता है, अदरवाइज फिर आपको कुछ अदर अलग ढंग से सोचना। बहुत सारे हिंदी का रस है, अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया, ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, मिट्टी के प्रकार का कंसेप्ट है। अब कोई बच्चा कहीं गया है या फिर देखा है किसी ने किसी जगह पे, तो कहां लाल मिट्टी है और उस मिट्टी पे किस किस तरह की खेती है, जब उदाहरण से आप उसको कोरिलेट कर लेंगे तो ना केवल बच्चा समझेगा बल्कि उसका जो ज्ञान है वो सस्टेन करेगा, ज्यादा देर तक उसको याद रहेगा, उसमें उसको भ्रांति नहीं होगी। सो इट्स अ टूल, इफ यू हैव टू बी एन इफेक्टिव टीचर यू मस्ट लर्न हाउ टू इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, because examples is a tool in the hand of the teachers and with the help of this you cannot make the learning interesting only, rather you can increase the level of your teaching as well, its impact. So why, again why, this skill is related to selection and presentation of the examples to make the concepts, facts easier to learn. आप सही है, टीचिंग एड्स की मदद से कॉम्प्लेक्स चीजों को दिखा दीजिए, और यदि नहीं देख सकते हैं दिखा सकते हैं तो उसके आसपास जिसकी जानकारी उसको हो से संबंधित तथ्यों का उदाहरण देकर एक सिंबॉलिक फॉर्म उसको दिखा सकते हैं ताकि वो उसको समझ सके, और इसके लिए देना, चाहे वो मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस कंसेप्ट समझा रहे हैं, छाया बनती है, छोटी बनती है कब, बड़ी कब बनती है, लाइट का सोर्स है तो ये क्या हो रहा है, बच्चा देखता है, या हवा दबाव डालती है जब आप पढ़ाते हैं, तो बहुत सारी चीजें उदाहरण से नहीं समझा के आप वैसे भी समझा सकते हैं, बैलून कब फूट जाता है, क्यों फूट जाता है, ज्यादा हवा से क्यों फूट जाता है, यदि गर्मी में उसको डाल देते हैं तो क्यों फूट जाता है, और फिर हवा गर्म होकर फैलती है, धुआं ऊपर क्यों जाता है, ये सब उदाहरण के माध्यम से आप छोटे छोटे कंसेप्ट को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के बैकग्राउंड में वो एग्जाम है। टीचिंग इजियर एंड सिंपल एंड लर्निंग एंजॉयबल एंड अंडरस्टैंड, आप तथ्य को कहे जा रहे हैं, ऑब्वियस है बच्चा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है।
बच्चा उसको समझ भी नहीं पा रहा, और जब आप एग्जाम्पल से उसको समझाते हैं, वही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले जो कही कि आपका शिक्षण का कार्य आसान हो जाता है। आसान इसलिए कि बच्चा इजीली समझ जाता है, और दूसरा जब बच्चा इजीली समझ जाता है वो अपने क्लास में भिजवा कर, तो इसी एड की मदद से एग्जाम्पल्स की मदद से हम शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, अधिक से अधिक अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं, और रोचक ढंग से तथ्यों को रखकर बच्चे को भी, बच्चे की रुचि और उनकी अभिवृत्ति में भी विकास कर सकते हैं। मतलब तो उनका रुचि और इंटरेस्ट और एटीट्यूड भी इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब एक चीज तथ्य को एक बार नहीं समझा, दो बार नहीं समझा, तीन बार नहीं समझा, अपने उदाहरण से नहीं समझाया, तो उसके बीच मस्तिष्क में एक बात बैठ जाएगी कि इस चीज को हम नहीं समझ सकते, तो आप एटीट्यूडल चेंज भी ला सकते हैं और फिर उसको इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं। दीज आर दी स्किल कंपोनेंट, देयर आर ओनली फोर स्किल कंपोनेंट ऑफ दिस टीचिंग स्किल, एंड व्हाट आर दोज? Formulating simple examples, formulating interesting examples, formulating relevant examples, and use of appropriate approach. So, the skill component first is telling your example must be simple. Again, the example must be interesting to the learners, and it must be relevant as well. And in this process of illustrating the examples, you have to take care of the right approach. You have to pick or adopt the right approach. So there are four skill components of this teaching skills. As in other deliberations, we have already discussed that whether it is simplicity, whether it is interest, whether it is relevance, all are relative. And the teachers have to know it. What is simple? If the learners are known, it means it's simple. I have already written few words based on previous knowledge. If it is in the background of the learner, it is simple to learn, otherwise it will not be simple. शहर का बच्चा जो शहर में बहुत सारी चीजें देख चुका है, संभव है कंट्री साइड का बच्चा नहीं देखा है, तो उसके लिए वो सिंपल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में लेवल ऑफ मैच्योरिटी, आप सभी ने विकास की अवस्थाओं को पढ़ा, पियाजे को पढ़ा है, ब्रूनर को पढ़ा है, और ब्रूनर को पढ़ाने के क्रम में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्रूनर ने तीन स्टेजेस की बात की है, इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबोलिक, और आप इस स्थिति में है, सिंबोलिक स्टेज में आप पहुंच चुके हैं, और जैसे डेमोक्रेसी कहें या ट्रायंगल कहें, आपके दिमाग में एक फिगर होता है। यदि छोटा बच्चा है तो सिंबोलिक स्टेज में नहीं, इसीलिए उसके पढ़ाने का उसका एग्जाम्पल डिफरेंट होगा। एज ग्रेड इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेवलपमेंटल स्टेज। सो द नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, द नॉलेज ऑफ द लर्नर एंड डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस विल मेक यू कैपेबल टू डिसाइड वेदर द गिवन एग्जाम्पल इज सिंपल। समझिए कि आपको जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाना है फिजिकल चेंज, अब कैसा उदाहरण दीजिए? बच्चे ने बर्फ को देखा है, बच्चे ने पानी को देखा है, बच्चे ने पानी से बर्फ को बनते देखा है, बर्फ को पिघलकर पानी बनते देखा है, तो आप आसानी से फिजिकल चेंज को इसकी मदद से समझा सकते हैं। ऑब्वियस है, बच्चा समझ रहा है, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड है, सिर्फ सिंपल है। फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, फिजिक्स का कंसेप्ट यदि आप मान लीजिए, जैसे अभी हम कह रहे थे
कि हवा गर्म हवा फैल के ऊपर जाए, कुछ उसका उदाहरण मान लीजिए कि आप कोई आंकड़ा पढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, बच्चे को दिखा दिया, समझा दिया, इतने में बेचा, इतने में खरीदा, खरीदा वो दाम अधिक है या बेचा वो दाम अधिक है, इसको एग्जांपल की मदद से आपको हाईलाइट करना होगा। और जब इतनी बात समझ में आ जाएगी, इट विल बिकम इंटरेस्ट। ज्योग्राफी में किसी चीज को आपको पढ़ाना है, उसके एग्जांपल्स को आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लर्नर्स के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप केमिकल चेंज वैसे ही यहां खड़े होकर पढ़ा देते हैं, एक सामान्य कागज को जला के, एक सामान्य कागज को तिल्ली की मदद से जला के आप दिखा सकते हैं कि यह पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है, और इसमें केमिकल्स चेंज पढ़ा सकते हैं। हिंदी वगैरह का भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और एग्जाम्पल चाहे वो इंटरेस्टिंग हो या सिंपल हो या रिलेवेंट हो, स्टूडेंट के लेवल पे डिपेंड करता है। इसीलिए वहां देखें कि मैच्योरिटी, तो ये मैच्योरिटी सब जगह, आप ऐसा उदाहरण जो बच्चा समझ ही नहीं सकता है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, वो कभी न सिंपल होगा, न इंटरेस्टिंग होगा, न रिलेवेंट होगा। तो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल का मतलब जिसमें ज्यादा है। अब मैथ्स के किसी सवाल में कुछ पढ़ा रहे हैं, यदि चार्ट मॉडल वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो आप हमेशा राम सोहन मोहन नहीं लेके यदि क्रिकेट के ग्राउंड तक पहुंच जाइए, इस सीरीज में इतना रन बनाया है उससे कोरिलेट कर दीजिए, क्योंकि आप लर्नर्स को जानते हैं, उनके नेचर को जानते हैं, जानते हैं कि स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ा उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इंटरेस्टिंग में देखिए एग्जाम्पल्स कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू विजुअल एंड ऑडियो मीडियम्स और एक्चुअल। यदि आप एग्जाम्पल देने के क्रम में कुछ दिखा देते, चाहे वो ऑडियो हो, विजुअल हो या रियल ऑब्जेक्ट हो, मतलब वो टीचिंग एड्स की बात यहां कर। अब एक फूल में इतने पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स को आप दिखा दीजिए यदि क्लास में ले जाके, या फिर वहीं तक ले जाइए कि देखो वहां फूल तुमने देखा होगा, उसमें यहां जो होता है, या फिर किसी और बॉडी का, या फिर कोई और एग्जाम्पल, कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। और रिलेटिंग रिलेवेंट इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, वहां लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। आप जो चीज पढ़ा रहे हैं, जिस चीज को आपको समझाना है, उससे संबंधित खेल की आकृति के माध्यम से, खेत बड़ा है या छोटा है उसके माध्यम से कम अधिक एरिया को समझा सकते। बच्चे ने पाइप को देखा है, उससे आप सिलेंडर का कंसेप्ट समझा सकते। अभी पानी से बहुत परेशानी हुई, पानी से जो बहुत तरह का की बीमारी आने वाली है, वो किन किन चीजों से आती है, उससे संबंधित आप वहां से उदाहरण दे सकते। पानी जनित, वाटर जनरेटेड डिजीज क्या क्या हो सकता, मच्छर कितने तरह के, कौन कौन सी बीमारी उससे हो सकती, ये सारी चीजों को आप समेट के रिलेवेंट बना सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्टोरिकल फैक्ट से लेना पड़ेगा। आप किसी क्रांति को समझाना चाहते हैं तो पूर्व की क्रांति से, या आपस की विभिन्न सारी क्रांतियों का जो संबंध है वो उसके बैकग्राउंड में वहां से लेके आप समझा सकते हैं। सो दी रिलेवेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कॉन्टेक्स्ट। इफ द एग्जाम्पल साइटेड इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, इट क्लियरली मीन्स इट इज रिलेवेंट। बट ए रिलेवेंट एग्जाम्पल मे नॉट बी इंटरेस्टिंग,
मोनोटोनी एक ही जैसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी हमने कुछ दिया भी स्पोर्ट से ले रहे हैं, खेत की लंबाई से ले रहे हैं, पेरीमीटर समझाने के लिए वहां ले जा रहे हैं, एरिया का कंसेप्ट समझा रहे हैं, या फिर बच्चा छोटे बच्चे को मैथ्स में अक्सर प्रॉब्लम होता है कि वेदर 1/6 और 1/5 विच वन इज ग्रेटर। आमतौर पर बच्चा समझता है कि 6 ज्यादा है, आप फिर वहां उदाहरण दे सकते हैं कि तुम 5 भाई हो और तुमको एक ही रोटी में सबको बांटना है, और 6 भाई हो एक ही रोटी को 6ों में बांटना है, तो तुम्हारे हिस्से किस परिस्थिति में रोटी कम आएगी और फिर कम रहा, या फिर ये कि देखो ये एक जो है ये कितनी भाग में बढ़ रहा है और ये कितनी भाग में बढ़ रहा है। एग्जाम्पल्स, सो बाय साइटिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स यू कैन इंप्रूव द लेवल ऑफ योर टीचिंग। एंड द लास्ट use of appropriate approach, as you can see it is written, the approach is written, we have already discussed about this approach, that is inductive and deductive. As we have said, inductive approach is related to examples to general rule, examples to general rule ya fir particular to general, and deductive is general to example rule, पर्टिकुलर जनरल रूल टू, जैसे एक तरह से आप पढ़ाते हैं ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम ये मैमल्स रेप्टाइल्स ज्योमेट्री का सारा फिगर, ये जितने भी जनरलाइजेशन है सब इंडक्टिव अप्रोच से करें, और उस जनरलाइजेशन की मदद से आप समस्या का समाधान, जैसे आपने बच्चे को पढ़ा दिया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, अब जम्मू एंड कश्मीर की का एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में उसको पता है तो वो आसानी से समझ जाएगा कि वहां सेब बहुत फलता है, बिहार में सेब क्यों नहीं। बिहार का जो गैंगेटिक बेसिन की जमीन है वो वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल लैंड में से एक, इसीलिए यहां खेती जाता। कॉफी कर्नाटक में ही क्यों, बिहार में क्यों, आसाम में ही चाय क्यों, एटमोस्फेयर एग्जाम्पल की मदद से कि वहां का एटमोस्फेयर यह है और इस एटमोस्फेयर में इस तरह की फसल, जहां पानी की कमी है वहां इस तरह की फसल होगी, सबसे ज्यादा क्यूबा को क्या कहा जाता है, क्यों वही क्यों एटमोस्फेयर क्या होता है, शुगर केन जो है, यू हैव टू नैरेट द ज्योग्राफिकल रीजन एंड एनी अदर थिंग जनरलाइजेशन और एग्जाम्पल्स टू जनरल। अभी हम लोग कपास की खेती की भी बात कर सकते हैं, कपास की खेती कहाँ सबसे ज्यादा क्यों होती है, सब इंडिया में, पाकिस्तान की बात छोड़िए, वर्ल्ड की बात नहीं करते, या भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स की मदद से सारा सारी चीज को समझ सकते हैं। डेल्टा का कंसेप्ट है, अब बच्चे को डेल्टा समझाना है कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा, कुछ देखा है नदी किनारे है कि नहीं है, और यदि वो नदी किनारे नहीं है तो वो एग्जाम्पल रिलेवेंट नहीं होगा। समुद्र के किनारे का बच्चा है उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो ग्राफिकल कंसेप्ट समझाने में ज्यादा आसानी है, जो समुद्र नहीं देखा है वो तो समझेगा नहीं, उसको तो ये भी बड़ी बात लगेगी कि समुन्द्र का पानी खारा कैसे होता है, लेकिन राजस्थान के आदमी को समझाइएगा वहां नल से भी पानी खारा निकलता है, बिहार में स्थिति नहीं है, यहाँ के बच्चे को समझाने में दिक्कत होती है, दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। बट दीज आर रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, अप्रोच इज ऑलवेज पर्टिकुलर टू जनरल, एग्जाम्पल्स टू जनरल रूल और द रिवर्स, फर्स्ट वन इज इंडक्टिव एंड द सेकेंड वन is deductive. We have already told so many times regarding these two approaches, in somewhere in the form of approach and somewhere in the form of teaching methods. Or we have also pronounced that inductive deductive is a very useful method for mathematics teaching.
स्पेशली ज्योमेट्री टीचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, ग्रामर टीचिंग. सो दैट इज ऑल्सो ए मेथड एज वेल. बट वेन एवर वी आर साइटिंग एन एग्जाम्पल, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द राइट अप्रोच. सो वी हैव टू apply if we have to go towards the generalization inductive approach, and if we have to use the deductive approach to solve a particular problem. You cannot write all the attributes of a cow, but you cannot find, but you can find, rather you can recognize, you can identify a cow if you see it in any part of the world. हम गाय की सारी विशेषता नहीं लिख सकते हैं, फिर भी दुनिया के किसी भी भाग में गाय को देख के हम या बच्चा पहचान लेता है कि ये गाय है. क्यों? Because it's a generalized form, and this generalization has been made on the basis of the common characteristics and attributes, that is example to gender. कुछ यानी कि कुछ विशेषताएं छूट भी जाए जो हम नहीं लिख सकते हैं, फिर भी हम पहचान लें, टेबुल को पहचान लेंगे, क्योंकि टेबुल, इसको टेबुल कहेंगे, उसको कुर्सी कहेंगे. उस तरह की जितनी आकृति होगी उसको कोई टेबुल क्यों नहीं कहेगा. This is all due to, so examples, इस category में mammals, reptile, triangle, ये प्रजातांत्रिक देश, राजतंत्र वाला देश, समुद्र के किनारे वाले शहर, glacier, सब चीज समझ रहा. क्लोरो फ्लोरोकार्बन बच्चा नहीं समझ रहा कहां से जी. जो बैकग्राउंड में वही ना दिखा के उसको समझाइएगा. प्लीज शहर के बच्चे को तो सीधे दिखा दीजिए, देखो ये एसी जो चल रहा है इससे भी निकलेगा, वहां पे पुआल वाल जलाने वाले उससे भी, दैट इज ऑल्सो मवेशी का ये. तो ये कहां कौन एग्जाम्पल साउट करना है, साइट करना है, ये टीचर को पता होना चाहिए. एंड इट इज ऑलवेज नीड्स टू बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ, अदरवाइज द एग्जाम्पल मे नॉट बी अंडरस्टैंड. सो एग्जाम्पल एज ए टीचिंग स्किल कैन डू मिरेकल. द लर्नर्स कैन अंडरस्टैंड इवन इफ यू पुट एन एग्जाम्पल टू द कंसेप्ट. इसी ये कंसेप्ट इसको समझ लो, इसी तरह की चीज है. बच्चा अपना एक फ्रेमवर्क बना देगा और फिर वो फिर प्रोसेस उसका शुरू हो जाएगा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम. सो एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें आदमी को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब एग्जाम्पल देख लेता है तो वो बहुत क्लियर हो जाता है टीचर से. ठीक है, टीचिंग स्किल इज स्टेटिंग विथ एग्जाम्पल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, टीचिंग स्किल, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इट इज रिलेवेंट फॉर, इट इज यूजफुल फॉर, इट इज इफेक्टिव फॉर ऑल द टीचिंग सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज मैथमेटिक्स, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज लैंग्वेज, वेदर इट इज सोशल साइंस एंड व्हाट्स नॉट. So this is all about illustrating with examples as a teaching skill. Thank you very much.